हाय एवरीवन माय सेल्फ मन्नू कुमार सिंह स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के रसायन विज्ञान सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसके लिए होगा बी पार्ट टू के लिए मतलब बी पार्ट टू केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें है ना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्या है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बी एस सी पार्ट टू का सिलेबस है ठीक है इसमें देखते हैं कर रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा साढ़े छः घंटे का होगा ठीक है साढ़े छः घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा एक ही दिन में ठीक जो इसमें क्या है विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें ठीक सबसे तो पहले आपको स्टडी करना है क्या पीपेट कैसे होता है ब्यूरेट कैसे होता है ठीक है और क्या करना है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी डायलूशन क्या स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लें और किस डायलूशन को बना या किस नॉर्मलिटी का बनाए या किस मोरलिटी का बनाया जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन मोरलिटी से लेकर के कहाँ तक तो बना सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम का हम सोल्यूशन बनाना इसमें सीखेंगे ठीक है उसके बाद से हम आगे बढ़ते पुनः जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें क्या होंगे तीनों पेपर से प्रैक्टिकल एक इन्वॉल्व होंगे ठीक पहला वो क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और, इन केमिस्ट्री में वायलोमेट वायलोमेट्रिक का एक्सरसाइज है ठीक है वायलोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या है हमारा इस्टिमेशन ऑफ देखिये ऑफ सिल्वर आयन इस्टिमेशन ऑफ सिल्वर आयन बाईल हार्ड ठीक एंड मोहर साल्ट मेथर ठीक है वर्ल हार्ड एंड मोहर साल्ट मेथर ठीक दूसरा आपका क्या रिडॉक्स टाइट्रेशन ठीक है एग्जाम्पल के लिए दिया गया टाइट्रेशन ऑफ फेरस अमोनियम ठीक है ये फेरस आयन दिया इसमें क्या होगा फेरस अमोनियम सल्फेट का ही करेंगे फेरस आयन विथ पर मैगनेट एंड डाइक्रोमेट यूजिंग यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर मतलब क्या है इसमें दो अलग अलग आपके ऑब्जेक्ट दायर होते हैं एक फेरस अमोनियम सल्फेट से एफ एस सही होगा ये ठीक है और के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ होगा के टू सी आर टू डाइक्रोमेट वही है ठीक है एक बार क्या होगा इंटरनल इंडिकेटर एंड फनल एंथर्मोलिक एसिड का यूज़ करेंगे एक बार एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज करेंगे ठीक है अगला आपका क्या है ये आयोडोमेट्रिक इस्टीमेशन ऑफ कॉपर सल्फेट ठीक एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ठीक है नेक्स्ट है आपका क्या इस्टीमेशन ऑफ कैल्शियम पे टू प्लस आइन यूजिंग के एम एनोफोर ठीक अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाई commercial विनीगर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है कमर्शियल स्केल पे जो विनीगर होता है उसको क्या कर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर लेंगे एसिटिक एसिड का डिटर्मिनेशन कर लेंगे जो शुगर होता है जो उसके रबिस मिलते हैं उसी से ठीक है आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज है आपके ठीक इसमें क्या है देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एक्सरसाइज में देखिए इसमें क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ठीक है ये आपका फिजिकल का ही टॉपिक है इसमें आपके सिलेबस में भी बताया जाएगा इसमें क्या होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या देख लेंगे किसके किसके लिए हम एक बार क्या देखने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रांग एसिड आपका क्या हो जाएगा कोई सी हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा दोनों को आपस में मिलाएंगे इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे तो उसको देख लेंगे ठीक है इसी प्रकार से क्या है स्ट्रोंग एसिड एंड वीक के बेसर क्या हो जाएगा वीक बेस हो जाएगा ठीक है अगला क्या है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ठीक इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये आपका है सेकेंड नंबर ठीक करा क्या डिटर्मिनेशन ऑफ इंथेलपी ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड एंड कैलकुलेशन ऑफ लैटिक एनर्जी ठीक है ऑफ सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड बाई यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल ठीक है आप सभी ने बी एस सी पार्ट वन में बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा है उसमें क्या हम एन ए सी एल का या अलग अलग रिज़ल्ट का हम हम लोगों ने क्या पढ़ा था बॉर्न नेवर साइकिल से पढ़ा था कि उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां क्या करना है कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है अगला क्या है डिटरमिनेशन ऑफ ऑफ द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द गिवन सबस्टेंट बाय थर्मोमेट्रिक मेथड गिवन सबस्टेंट बाय द थर्मोमेट्रिक मेथड इसमें क्या है MnCl2 और एग्जाम्पल के रूप में दिया है इन फोर एच टू ठीक अगला आपका क्या है टू कंस्ट्रक्ट द फेज डाइग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें क्या है टू कंपोनेंट सिस्टम में डाई फेन एमिन और बेंजोफिन ठीक बाई मेल्ट मेथड ठीक है नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज शुरू होता है किससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल आपके लिए नया है ठीक है इसमें देखते हैं क्या होता है इसमें क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है जो सॉलिड सबस्टेंट्स के रूप में आपको दिया जाएगा उसमें क्या हो विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व किए हों जैसे क्या है इसमें पहला है आपका क्या एलडीहाइड हो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कोई एसिड हो फिनाल हो, कीटोन हो स्टर हो एल्कोहल एमीन एमाइड नाइट्रो एंड हाइड्रोकार्बन ठीक है इस तरह के हम कंपाउंड लेंगे जिसमें क्या कर लेंगे उसमें हमको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है डिटर्मिनेशन करना है मतलब सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे डिटर्मिनेशन करेंगे ठीक सिस्टमेटिक तरीके से डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा पहला जो है

सोलिबिलिटी टेस्ट करते हैं ठीक उसके आगे हम क्या करते हैं अन टेस्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं कि ये कंपाउंड क्या है ठीक है एंड प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल डेरिवेटिव उससे कोई सुटेबल कंपाउंड या मान लीजिए आपको यूरिया मिल गया है तो यूरिया से कोई अलग कंपाउंड बना के हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये यूरिया है तभी ये अलग कंपाउंड हमको मिल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं किसमें किस तरह से या देखते हैं किस तरह से इसमें आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मतलब फिजिकल से इनऑर्गेनिक से और केमिस्ट्री से किस तरह के मार्क आपको कितने कितने मार्क मिलते हैं ठीक है तो यहाँ हम देख लेते हैं ठीक इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल जो है मान लीजिए इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल जो होगा आप इस्टिमेशन करेंगे उस एस्टिमेशन मेंस्टिमेशन में क्या हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ठीक देखिए इस्टीमेशन करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड मिला है और उसका रिजल्ट ठीक है थ्री मार्क तो आपको मेन मल मिल जाएंगे कि आपको हाँ आपने किया है अगर कोई कंपाउंड आप आ, उसका रिज़ल्ट निकालें हाँ उस रिज़ल्ट में क्या आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट वन परसेंट का ईर आ रहा है तो प्रत्येक जीरो पॉइंट वन परसेंट के लिए क्या होगा एक नंबर मार्क काट लिया जाएगा ठीक है अगला है फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट ये पंद्रह नंबर का होगा इनऑर्गेनिक ठीक है फिजिकल भी क्या होगा पंद्रह नंबर का होगा ऑर्गेनिक भी पंद्रह नंबर का होगा और वाइवा वो सी जो आपका होगा कितने नंबर का होगा दस नंबर का और क्लास रिकॉर्ड क्या होगा दस नंबर का ठीक है एक कुल मिलाकर सिक्सटी फाइव नंबर के क्या होंगे आपके प्रैक्टिकल होंगे ठीक और जो बच्चे एक्स स्टूडेंट होंगे एक्स स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्लास का रिकॉर्ड जो कापिया आप लोग बनाते हैं वो नहीं बनेगा ठीक है तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो जो एक्स बच्चे होंगे उनका वाइबा ही क्या हो जाएगा ट्वेंटी मार्च का हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ठीक थोड़ा सा हम इसके बुक के बारे में बताते हैं कि आप अगर बी सी सेकेंड ईयर या बी पार्ट टू के लिए कोई बुक बुक प्रीफर करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं डॉक्टर एस एन लाल की बुक आती है ठीक है एस एंड लाल की ठीक है आप वैलम सेकंड के नाम से ले सकते हैं ठीक और एक ओबी पांडे की भी बुक आती है ये भी ले सकते हैं दोनों में से कोई एक बुक आप प्रीफर कर सकते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब